आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बीओबी वर्ल्ड के अंदर यूपीआई सेटअप कैसे करते हैं और इसमें खुद की यूपीआई आईडी कैसे क्रिएट करते हैं। दोस्तों, अगर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है और आप बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बीओबी वर्ल्ड का यूज़ करते हैं तो आपको किसी अदर यूपीआई एप्लीकेशन जैसे फ़ोन पे, गूगल पे और अमेज़ोन पे वगैरह में अलग से यूपीआई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीओबी वर्ल्ड के अंदर ही आपको यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है, जिसे एक्टिवेट करके आप किसी भी यूपीआई आईडी या बैंक डिटेल डालकर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा पेमेंट कलेक्ट करने के लिए किसी को रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। सो इस वीडियो में आपको मैं बीओबी वर्ल्ड के अंदर यूपीआई सेटअप करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल टेक विथ यूएफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर टिक कर दें ताकि आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा लेटेस्ट अपडेट और कैशबैक ऑफर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में लॉगिन हो जाएंगे। अगर आपने अभी तक बीओबी वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग में रजिस्टर नहीं किया है तो किस तरह से घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का कम्प्लीट प्रोसेस देख सकते हैं। एप्लीकेशन में सक्सेसफुली लॉगिन होने के बाद नीचे यहाँ सेकंड नंबर पे आपको यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा। बीओबी वर्ल्ड के अंदर यूपीआई सेटअप करने के लिए सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज डिस्प्ले होगा। अगर आपके मोबाइल फोन में दो सिम लगे होंगे तो यहाँ पर उस सिम को सिलेक्ट करेंगे जो आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है। सिम सिलेक्ट करते ही नीचे यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर शो करेगा, इसे एक बार आप कंफर्म कर लेंगे और उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल नंबर को बैंक की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। तो कुछ सेकंड यहां पर वेट करेंगे। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के टाइम टेक्निकल एरर करके अगर कोई मैसेज पॉपअप होता है तो आप दो तीन बार ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डिस्प्ले होगा, नीचे अपना पूरा नाम इंटर करेंगे जो आपके बैंक अकाउंट में दिया हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ बैंक नेम पर क्लिक करके बैंक सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही बैंक सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर और नेम आ जाएगा, सिंपली यहाँ से अपना बैंक अकाउंट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो यूपीआई आईडी आप रखना चाहते हैं वो यहाँ खुद से आप सेट कर सकते हैं। अदरवाइज नीचे आपको कुछ यूपीआई आईडी सजेस्ट भी किए जाएंगे, अगर आप चाहें तो इनमें से किसी को सिलेक्ट करके अपनी यूपीआई आईडी रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ सबसे ऊपर आपको अपना ईमेल आईडी डाल देना है। उसके बाद यहाँ कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, इनमें से किसी एक क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, जैसे हम यहाँ फेवरेट कलर में ग्रीन टाइप कर देते हैं। सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डालने के बाद टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह से मैसेज पॉपअप होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर यूपीआई रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल, इसे ओके कर देंगे। ओके करते ही बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई सेटअप कंप्लीट हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपके सामने इसका होम स्क्रीन डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आपने पहले कभी भी किसी दूसरे यूपीआई एप्लीकेशन के अंदर अपना बैंक अकाउंट ऐड करने के बाद यूपीआई पिन सेट किया होगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से यूपीआई पिन सेट लिखा हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने पहले कभी इस बैंक अकाउंट को किसी यूपीआई एप्लीकेशन से लिंक करके यूपीआई पिन सेट नहीं किया होगा तो यहाँ पर आपको यूपीआई पिन नॉट सेट करके लिखा हुआ देखने को मिलेगा। पिन सेट करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको सेट ऑब्लिक रीसेट यूपीआई पिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा।
यहाँ पर आपको अपने बैंक के डेबिट कार्ड की डिटेल डालकर यूपीआई पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा। सबसे ऊपर यहाँ आपका बैंक अकाउंट नंबर शो होगा। कार्ड टाइप में आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद अपने इसी बैंक अकाउंट के डेबिट कार्ड नंबर का लास्ट 6 डिजिट यहाँ पर आपको इंटर करना है। उसके बाद अपने डेबिट कार्ड की एक्सपायरी डेट में यहाँ से मंथ और उसके बाद ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। डेबिट कार्ड की डिटेल्स इंटर करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। उसके बाद नीचे सेट यूपीआई पिन में आपको 4 डिजिट का अपना यूपीआई पिन सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप सेट कर लेंगे। पिन सेट करने के बाद ओके करेंगे। दोबारा से अपने पिन को यहाँ कंफर्म करके ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो उसके बाद आपका यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन के अंदर यूपीआई सेटअप कंप्लीट होने के बाद इसके होम स्क्रीन में आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। पहला, इसमें आपको पे का ऑप्शन मिल जाता है जिस पर क्लिक करके यहाँ से आप किसी की यूपीआई आईडी डालकर भी पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी बैंक अकाउंट की डिटेल्स डालकर और MMID के थ्रू भी आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। होम स्क्रीन में दूसरा कलेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके आप किसी को अपनी यूपीआई आईडी या क्यूआर कोड सेंड करके पेमेंट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड में स्कैन क्यूआर का ऑप्शन दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप किसी भी यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके कहीं भी आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। मैंडेट पर क्लिक करके आप यूपीआई मैंडेट भी यहां से क्रिएट कर सकते हैं। पेमेंट कलेक्ट के लिए अगर आप किसी को रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसका अप्रूवल यहां से देख सकते हैं। उसके बाद मोर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस यहां पर आपको मिल जाते हैं। यहां से अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। माई अकाउंट्स पर क्लिक करके यूपीआई आईडी से लिंक्ड अपना बैंक अकाउंट देख सकते हैं। यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके अपना यूपीआई पिन रीसेट या चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ व्यू बैलेंस पर क्लिक करके अपने बैंक में अवेलेबल बैलेंस देख सकते हैं। बैक आएंगे तो यहाँ जेनरेट क्यूआर पर क्लिक करके खुद का क्यूआर कोड जेनरेट कर सकते हैं और किसी को भी सेंड करके उस क्यूआर कोड के थ्रू मनी रिसीव कर सकते हैं। यहाँ पर और भी कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे अपनी यूपीआई आईडी मैनेज कर सकते हैं, यूपीआई को डी रजिस्टर कर सकते हैं, अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा डेबिट कार्ड की लिमिट भी आप यहां से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से बैंक ऑफ बड़ौदा के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन बीओबी वर्ल्ड के अंदर आप यूपीआई सेटअप कर सकते हैं और इसमें दिए गए सभी सर्विसेज का आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।